बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ फौजिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्थ एंड होम्यो बाय फौजिया। वेलकम टू माय चैनल अगेन। आजकल हमारे यहाँ कोलेस्ट्रॉल का इशू काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इसकी वजह से हार्ट के इशूज़ में भी काफ़ी इजाफा देखने में सामने आया है। इन दिस वीडियो टुडे आई विल टॉक अबाउट द कोलेस्ट्रॉल एंड व्हाट आर द होम्योपैथिक मेडिसिन व्हिच आर वेरी यूजफुल फॉर दिस पर्पज। कोलेस्ट्रॉल की अगर बात की जाए तो कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली हमारे लिए बैड नहीं है, लेकिन एक ख़ास लेवल से इसका बढ़ जाना हमारे लिए नुकसान का बायस बन रहा होता है। कोलेस्ट्रॉल असल में हमारी हेल्थ के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल किस तरह से बेहतरीन है, क्योंकि हमारी बॉडी को न्यू सेल्स बनाने के लिए, इसके अलावा विटामिन के लिए, हॉर्मोन्स बनाने के लिए, हमारे फूड डाइजेशन के लिए, इसके साथ साथ विटामिन डी की प्रिपरेशन के लिए भी हमें कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। और ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी में ख़ुद से बना रही होती है। अगर कोलेस्ट्रॉल की यहाँ पर कमी हो जाती है जिस्म में, तो इसके भी नुकसान होते हैं। और अगर कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में हमारी फूड के ज़रिए से ज़्यादा जाना शुरू हो जाता है और इसका लेवल हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, तो इसके नतीजे में हमें कोलेस्ट्रीनीमिया टाइप प्रॉब्लम्स या हाई कोलेस्ट्रॉल या हार्ट डिजीज़ भी जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल के सोर्सेज की हम बात करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल हमें सबसे ज़्यादा हम अगर हमारी बॉडी उसको खुद से प्रोड्यूस कर रही है, तो हम फूड के ज़रिए से, ख़ासतौर पर डेयरी प्रोडक्ट्स जो हम ले रहे होते हैं, जिसमें कि घी है, बटर है, एग्स हैं, मीट है, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन का एक ख़ास सिस्टम रखा है। अगर हम इसके हाई हो जाने के नतीजे में पैदा होने वाले साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, तो देखा जाता है कि कुछ लोगों को सीने में, चेस्ट में बहुत ज़्यादा, लेफ्ट साइडेड स्पेशली चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाती है, जिसको के हम हार्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा हो जाने की वजह से हमारे जिस्म में जो शरियाने पाई जाती हैं, जिनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है, उनमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। कोलेस्ट्रॉल के जम जाने की वजह से ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है, और ऐसे लोगों को हार्ट में पेन या फिर हार्ट अटैक आने का ख़तरा भी होता है। इसके अलावा उनको सीने में या अपनी लेफ्ट साइड पे प्रेशर का सा एहसास हो रहा होता है, फुलनेस का सा एहसास हो रहा होता है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाने वाले लोगों में ख़ास तौर पर उनको टांगों में दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है। ऐसे लोग सुस्ती का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, मोटापा आना शुरू हो जाता है ऐसे लोगों में। इसके अलावा उनकी स्लर्ड स्पीच होना शुरू हो जाती है, बोलचाल में उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इन सारी बातों से इस चीज़ का आइडिया लगाया जा सकता है कि इनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो गया है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि हमारे बॉडी में लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि खुद कोलेस्ट्रॉल को पैदा कर रहा होता है, या कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर रहा होता है, लेकिन अगर इसकी ज्यादती हो जाती है तो वो हमारे लिए कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। अदरवाइज कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस हमारे लिए बहुत अच्छी है। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे सेल्स की प्रोडक्शन के लिए, हॉर्मोन्स के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। इसके अलावा मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने जिक्र किया है, उसमें LDL और HDL की रेशियोज़ के बारे में भी मैंने तफसील से बताया है। मैं अपनी उस वीडियो का लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि वो ऐसी कौन सी कॉजेज हैं जिसके नतीजे में हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि ऐसे लोग जो एक्सेसिवली यूज़ कर रहे होते हैं चिकनाइयों को, जो कि हमारे खानों में हैं, जो कि बटर हो सकता है, देसी घी है, या गोश्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों में आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल की रेशो हाई हो जाती है। इसके साथ साथ जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिनके घरों में दूध दही से बनने वाली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, उन लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा देखने में सामने आता है। या फिर अगर आपकी फैमिली में आपकी मदर को, या आपके फादर को, या आपके दादा दादी में से किसी एक को भी, या आपके नाना नानी को किसी को अगर हाई कोलेस्ट्रॉल का इशू रहा हो, तो वो आगे से आपकी जनरेशन में भी आ सकता है और ये इशू जेनेटिकली आप उनसे रिसीव कर चुके होते हैं। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंजाइटी का जिक्र करना चाहती हूँ। एंजाइटी आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर प्रॉब्लम्स जो कि हम डिस्कस करते हैं, उसमें एंजाइटी को भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं। इससे ये बात मालूम होती है कि एंजाइटी बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। एक और चीज़ इसमें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, वो है मेडिकेशंस। हम में से बहुत से लोग प्रॉपर काफ़ी अरसे से मेडिसिंस ले रहे होते हैं। जाहिर है
अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, अगर कोई मरीज डायबिटीज का है, या फिर इसके अलावा कुछ लोगों को थायराइड के इश्यूज काफ़ी अरसे से चल रहे होते हैं, तो वो लोग प्रॉपर मेडिकेशन के ऊपर होते हैं। थ्रू आउट उन्होंने वो मेडिसिन लेनी होती हैं जिनके साइड इफेक्ट्स के तौर पे भी लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम सामने आ रहा होता है। अब मैं बात करती हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन की, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्रिसाइज किस्म की सबसे पहले दो मेडिसिन का मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है एलियम स्टाइवा। जी हाँ, ये लहसुन से बनती है और लहसुन का इस्तेमाल जो है होम्यो मेडिसिन में बहुत ज़्यादा होता है। ये ना सिर्फ हार्ट के इश्यूज में बल्कि दमे के प्रॉब्लम्स में भी लहसुन से बनने वाली मेडिसिन एलियम स्टाइवा जो है इससे काफ़ी ज़्यादा अफाका होता है। और ये हमारे एलियम स्टाइवा को हम मदर टिंचर में इस्तेमाल करवाते हैं, और एलियम स्टाइवा हमारे HDL को हाई करने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, जो कि हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसकी कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। बेसिकली उसको भी ये इंक्रीज करती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में एलियम स्टाइवा हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। एलियम स्टाइवा को आप कोशिश करें कि आप इसको खाली पेट लें, और 10 से लेके 15 ड्रॉप्स आप 3 times a day इसके इस्तेमाल करना शुरू करें। इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। एलियम स्टाइवा बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन है कोलेस्ट्रॉल के लिए। इसके बाद जो दूसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो क्रेटेगस है। क्रेटेगस का नाम आपने पहले भी सुना होगा। ये हार्ट टॉनिक के तौर पर काम करता है। हार्ट की होने वाली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, हार्ट का डायलेट कर जाना या हार्ट में किसी किस्म की भी वेल्व्स की जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनको भी ठीक करने में ये हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। जिन लोगों का BP काफ़ी ज़्यादा हाई रहता हो उनको क्रेटेगस काफ़ी ज़्यादा उनके लिए इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। क्रेटेगस को भी आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। क्रेटेगस को भी आप मदर टिंचर में ही इस्तेमाल करेंगे। इसके 20 drops 3 times a day आपने पानी में इस्तेमाल करने हैं। अगर तो आप इन दोनों मेडिसिन को एक साथ भी इस्तेमाल करते हैं तो भी ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके साथ जो तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम कोलेस्ट्रीनियम है। कोलेस्ट्रीनियम को आपने साल्ट की फॉर्म में लेना है। ये आप आमतौर पर एक बॉटल में मिलेंगी जिसके अंदर ये टैबलेट्स की फॉर्म में होता है, और आपने इसकी 3 से 4 tablets जो हैं वो दिन में 3 दफ़ा लेनी है। आप इनको आसानी से खा सकते हैं, ज़बान पर रख के आप इनको चूस लें। कोलेस्ट्रीनियम, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेनटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऊपर बताई गई दोनों मेडिसिन जो कि मैंने आपको एलियम स्टाइवा मदर टिंचर बोली है, इसके अलावा क्रेटेगस मैंने आपको मदर टिंचर बोली है, उन दोनों के साथ आपने इसका इस्तेमाल भी लाजमी करना है। उन दोनों मेडिसिन को आप 3 times a day लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से इन टैबलेट्स को भी आपने दिन में 3 दफ़ा लेना है। 3 से 4 tablets आप चूस लेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंशाल्लाह इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नए प्रॉब्लम के साथ फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मेडिसिन के साथ, एक नए इशू के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।